एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा राधे राधे। और गाइज, ये जैसे कि कल संडे, कल एकादशी थी और ये सैटरडे नाइट मतलब शाम की है ये वीडियो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी बनाई थी और जो मैंने पकौड़ी बनाई थी ना तो कूटू की, वहाँ पे मैंने प्याज के और कुछ इस तरह से पकौड़ी बनाई है। जो कढ़ी में मोस्टली हम डालते हैं वो वाली पकौड़ी नहीं बना के मैंने इससे सिंपल अलग सी पकौड़ी डाली थी प्याज वाली। तो यहाँ मेरी पकड़ी थी अच्छे से कढ़ी और इसके बाद यहाँ पे मैंने मलाई से निकाला था यहाँ पे ये घी, देखो मक्खन है ये। और अच्छे तरीके से कई बार पानी से वॉश करने के बाद क्योंकि खट्टापन निकल जाता है। और यहाँ रख दिया है मैंने सिम करके गैस बिल्कुल स्लो उस पर, और ये रख दी थी मैंने यहाँ पे ये इस वाली कढ़ाई में। घी के लिए ही है ये कढ़ाई मेरी, तो इसमें पकता रहता है ना तो एकदम काली पड़ गई है। तो मैं इसे घी के लिए जब भी मैं मलाई वगैरह इसमें स्टोर कर लेती हूँ इसी में निकाल लेती हूँ और इस तरह से कुछ मैं घी बनाती हूँ। तो ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट होना लग रहा था, ये बीच बीच में मैंने चलाती रही और आप देखते ही देखते हमारा घी यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो आप पूरी वीडियो को देखते रहें, बहुत ही एंटरटेनिंग और अच्छी वीडियो आपको लगेगी उम्मीद करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, पूरी वीडियो अभी आगे देखेंगे आप, अच्छी अच्छी क्लिप्स आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने पूरा घी का ही प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से मैं अपना स्टोर करती हूँ घी, और मेरा काफ़ी चल जाता है इस तरह से। हफ्ते हफ्ते भर की मलाई निकालती हूँ फिर इस तरह से घी बन जाता है, तो फिर मेरा काम चल जाता है इस तरह से। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आप इन्जॉय करें। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है घी, और इसको मैंने यहाँ पे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लूँगी अपनी ये मिट्टी वाली मटकी में, और इसमें ही मैं अपना घी स्टोर करती हूँ। कर रही हूँ और आज मैंने जैसे कि दिखाया था आज आप बनाई थी, मैंने आज लंच में बहुत कुछ स्पेशल बनाया है, पूजा कर ली है। और मैंने यहाँ पर भोग भी लगा दिया है, पूरी और रायते का भोग लगाया है, मम्मी श्री का प्रसाद चढ़ाया है। और आज बनाए हैं मैंने लंच में छोले चावल, सॉरी चावल नहीं, आज एकादशी है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कृष्णा राधे राधे। तो गाइस, ये देखिए भोग लगा दिया है मैंने आज रायते का और पूरी, और थोड़ी चिल्ली की दानी रखी है। यहाँ पर मिश्री का प्रसाद है, पूजा मैंने कर, और उसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी अभी। एंड गाइस, और मैंने पूरी बनानी थी कि एक अच्छी थी, चावल नहीं बनाया। और यहाँ पर मैंने पूजा करती हूँ और अभी मैं आपको खाते बनाए मैंने यहाँ पर छोले बना रही है। तो आज मैंने ना छोले इधर देखो, इधर आओ, हेलो करो, जय श्री कृष्णा करो, जय श्री कृष्णा। तो मैं बिल्कुल प्लेन छोले बनाए आज मैंने, धीरे धीरे पक एकदम गाढ़े हो जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का कलर है इसका, है ना, इससे कलर चेंज हो जाता है। तो ले शिवान, ले पूरी अपनी, शिवान को छोले मैंने यहाँ ठंडे कर दिए हैं, ले इधर आके मैं ताकि जल्दी से खा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने लंच में बनाया है ये रायता, बिल्कुल दही का एकदम गाढ़ा सा। इसमें मैंने सारे चाट मसाला और काला नमक और सॉल्ट मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाला है, उसमें डाल दिया है मैंने ये बूंदी, और दही में ये गाढ़ा सा बनाया मैंने रायता। और आज देखिए कितने ज़्यादा डिलीशियस एकदम। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं छोले, रायता और पूरी। बस हाँ, मैंने थोड़ा सा मंदिर के लिए रख लेती हूँ निकाल के रायता और पूरी। छोले में भी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बिल्कुल छोले पता है आपको, इस ना तो इसमें टमाटर है ना इसमें प्याज है। आप सोच रहे होंगे कि इतने ऐसे कैसे बनाए, बिल्कुल कम मसालों पर मैंने एकदम सिंपल बनाया बिना किसी ग्रेवी के।
रेसिपी मैंने आपको दिखाई, बस हल्के से मसाले मैंने घोल लिए थे, उनको सीधा मसाले में ऐड किया और यहाँ पे इस तरह से मैंने बनाया। तो ठीक है फ्रेंड्स, बना लेती हूँ पूरी। तो यहाँ पे मैंने मंदिर के लिए ये निकाल ली है, दो पूड़ी बना ली है और रायता। देखिए पूड़ी खा रही है डॉगी, इसकी बेटी तो छुपाने चली गई। इतनी ठंडी हवा चल रही है, देखना फ्रेंड्स ये बच्चे के साथ में यहाँ बैठी हुई थी, ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये शिवान और यहाँ पे ये पता नहीं क्यों इतना इकट्ठा हो रही है हमारे टावर के ऊपर। चीज देख, देखो सारा जगह ना पता नहीं क्या है, ऐसी चीज है ऊपर उसके पास। नहीं बाबू नहीं, आरू आरब को नहीं मारो भाई, कौन मार रहा है, मारेगा नहीं कोई किसी को। उधर बच्चे खेल रहे हैं, शाम का टाइम है, हवा इतनी ठंडी। सो गाइस, दिन का पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया ही था। मैं नीचे चली गई थी ऑफिस से, वांस काफ़ी 2-2.5 घंटों से नीचे खिला के लेकर आई थी मैं, वहाँ डॉगी के लिए मैं पूड़ी भी रख के ले गई थी शाम के टाइम में, तो बड़े ही मज़े से खाए थे उन्होंने खुश होके। अब ये शाम को ना, आज देखो कुछ सामान होते हैं जैसे घर के, तो जैसे संडे होता है तो मैंने घर का कुछ सामान लिख दिया था, आटा भी यहाँ ख़त्म हो गया था, जैसे कि मैं गेहूँ से आटा बनवा लेती हूँ लेकिन इस बार ख़त्म हो गया है। और जो पैकेट वाला आता है ना आशीर्वाद वाला आटा, तो वो इतना कहते हैं ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वैसा होता है, वो मैदा मैदा से लगती है ना बहुत ज़्यादा, और तो ये वाला चक्की से आटा लेके आए थे, ये थोड़ा सा हल्का सा मोटा होता है मतलब उस आटे से, तो ये इस तरह से यहाँ पे लेके आए थे आटा। मैंने इसको यहाँ अपनी जो ये मैं बकेट सी रखती हूँ इसमें मैंने आटे को यहाँ भर दिया है, और इस कट्टे में ये मैं कह रही थी कि बाइक पे किस तरह से सामान काफ़ी सारा हो गया था, जैसे मंडी चले गए थे तो सब्जी वगैरह सारा ही ले आए थे और दाल वगैरह घर की जो है वो भी सब मैंने रख दी थी, तो इतना सारा काम हो गया था ये वाला, तो मैं आती शाम को जुट गई थी सब काम। ये कट्टा मैंने खाली किया था, पूरा आटा निकाल के वापस से रखा, और ये पानी की बोतल आप देख ही रहे हैं, अभी हमारा आर ओ नहीं लगा है और जल्दी ही लगवा लेंगे, तो ये पानी इसी से काम चला लेते हैं। तो यहाँ मैं अब मैं इत्मीनान से कट्टा खोल रही थी तो उसमें सारी सब्जियों के निकाली थी, थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो पहले ना मैं सॉक्स पहन के ही अपना ऐसे ही रह लेती हूँ घर में ना, अभी सर्दी इतनी है लेकिन फर्श थोड़ा सा ठंडा लगता है, तो मैं अब अंदर मैं बैठी हुई थी तो जब तो मुझे नहीं लग रहा था कि चलो सॉक्स अभी पहनने का मन नहीं होता, लेकिन जब मैं फर्श पे आई तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था, और मैंने अपने स्लीपर अभी उठा के ऐसे ही रख दिए हैं, तो गीले हो रखे थे तो मैंने इनके स्लीपर डाल लिए थे अपने पैरों में, और ये कट्टा खाली करने लग रही हूँ, मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया था साइड में, और सारी सब्जियों को फिर एक एक करके मैं यहाँ पे छटनी करके उनकी, और ये कुछ फ्रूट्स थे इनको भी मैंने वॉश करके यहाँ साइड में रख दूँगी। तो ये शिवांश तो बहुत खुश हो गया था, मंदिर में रखवा के मैंने और उसको दे दिया था, तो खुश हो रहा था काफ़ी नीचे से आके, फिर उसे पढ़ाई वगैरह करके फिर मैं इसी काम में लगी थी, मेरा काफ़ी टाइम लग गया था इसमें, तो साथ में मेरा काम भी किसी का अपने खाने पीने का भी मैं काम देख रही थी। इधर ये बैग पड़ा हुआ था, शिवांश ने अपना बैग और ये खाली बैग जो बैग में भी सामान लेकर आए थे काफ़ी, और ये देखिए सारी सब्जियों को मैंने बाहर रख दिया है निकाल के। फिर अब मैं जो देखो धनिया मैं देख रही थी पॉलीथीन में, अलग अलग सब्जियों में धनिया पड़ा ही हुआ था, और साथ में ये पूरी गड्ढी सी लेके आ गए थे धनिया की, इतनी सारी धनिया का क्या करना है, तो मैंने सारी पत्तियों को तोड़ के इसका भी काम हो गया था, इसको तोड़ के रखा था, ये सारी सब्जियों को खोल के रखा था, और प्याज और जो ये है ना आलू मैं अंदर जो मेरा ये सिंक के नीचे जो है कवर्ड इसमें एक रैक रखी हुई है मैंने अपनी प्लास्टिक की, जिसमें 3 पोर्शन है, तो मैं एक में प्याज डाल देती हूँ, एक में आलू उसी में भर के रख देती हूँ, ओपन भी हो जाते हैं वो और अंदर रख देती हूँ, रात को इसको मैं खोल देती हूँ अक्सर ताकि इसकी जो गैस वगैरह बन जाती है ना सिंक के नीचे तो वो ना रहे, तो काफ़ी साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। अदरक तो जब भी आती है सब्जी के साथ ढेर आती है, क्योंकि बिना अदरक के चाय पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मैं यहाँ पे इस काम में बस जुटी हुई थी। अब मैं अपने आप को देख रही हूँ तो कितना अजीब सा लग रहा है मुझे ये, चलो अब तो ये सामने से कैप्चर हो गया, लेकिन जब हम अपना काम इस तरह से इत्मीनान से करते हैं तो बहुत वक्त लग जाता है। इस वीडियो को मैं एडिट करी थी, मैंने कितना तो कट किया है, मैं खुद ही देख रही थी कि कितना टाइम लग जाता है और हमें पता नहीं चलता सच में,
जब कैप्चर करते हैं ना कोई चीज़, तो तब पता चलता है कि सच में ये छोटे छोटे काम भी ना जो दिखते नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को ओपन कर दिया है। मटर को, मटर तो मैं साथ के साथ छीन के ही रख देती हूँ, और ये टमाटर एक दब गया होगा ना तो कैसे फट गया था। इसी टमाटर को बाद में मैंने अपने छोले के साथ इस्तेमाल करूँगी, दिखाऊँगी आपको जो बच गए थे दिन में। तो आपको बताया था प्याज और बिना टमाटर के मैंने दिन में छोले बनाए थे और एकदम से गाढ़े हो गए थे। तो ये देखिए अंदर रखी हुई है ना मैंने रैक, तो वहाँ पे मैंने कुछ पॉलीथीन होती हैं हफ्ते हफ्ते भर आ जाती हैं, तो फिर डस्टबिन में छोटा सा रखा हुआ है इसी के अंदर मैंने किचन वाला, तो उसी में फिर ये पॉलीथीन सारे हफ्ते यूज़ होकर चली जाती हैं। कुछ कुछ वैसे भी काम आ जाती हैं सामान वगैरह के लिए ना, वैसे मैं थैले रखती हूँ पर इन सबको भी रख लेती हूँ, पॉलीथीन को भी काम आ जाती हैं ये। और इन सब आलू को और प्याज को मैंने यहाँ पे रख दिया था। बाद में गाइज़ मैंने यहाँ पे अपने मटर को छील के रख दूँगी, पत्तियों को भी तोड़ के रख दूँगी, और सारा कूड़ा सारा निकाल के फेंक दिया था मैंने शाम को ये। और इसके बाद वीडियो काफ़ी ही बड़ी हो गई है, लेकिन अब मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वैसे जो भी था आपके साथ शेयर किया इस ब्लॉग को मैंने। तो मिलती हूँ फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय बाय। मैंने आपको सब कुछ दिखाया ही था, सब्जी वगैरह सब मैंने यहाँ पे रख दी है। देखो सारे पत्ते तोड़ के आटा भर दिया है, और देखो जो मैंने दिन में छोले बनाए थे ना, अब आप उनका इतना मैंने ना एक टोमेटोस में बारीक बारीक चॉप करके डाल दिए, और हरे धनिया की पत्ती और थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा गाढ़े हो गए थे। तो देखिए कितना शानदार से लग रहे हैं ना ये, जैसे कि छोले भटूरे वो होते हैं ना कुलचे के साथ जो चाट होती है, ये छोले वाली वो ही लग रही है ना, और बहुत ही यम्मी, मतलब एकदम से चेंज हो गया इसका टेस्ट ना।